सोचो कि आप एक ऐसा बिजनेस एम्पायर चलाते हो जो कि कल भी बहुत जबरदस्त चल रहा था, आज भी बहुत जबरदस्त चल रहा है और आने वाले टाइम में जब तक इस धरती के ऊपर इंसान है तब तक ऐसे ही जबरदस्त चलता रहेगा। और सिर्फ चलेगा ही नहीं बल्कि बहुत तेजी से ग्रो भी करेगा। आप अब सफलता की ऊंचाइयों पे हो, हर दिन बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, लेकिन अचानक आपको ये मालूम पड़ता है कि अब आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, ना टीवी पर, ना मैगजीन्स में, ना होर्डिंग्स पर, कहीं भी नहीं। ये इंसिडेंट आज से 50 साल पुराना है। सो टेक्निकली आज आपका बिजनेस एकदम बर्बाद हो जाना चाहिए था, बट यू नो व्हाट, इट इज स्टिल ग्रोइंग और इतनी तेजी से कि आप सोच भी नहीं सकते। साल 1970, हमारी और ऑलमोस्ट हर एक देश की गवर्नमेंट सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर बैन लगाती है। सिगरेट कॉजेज कैंसर के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, बट यू नो व्हाट, कंजम्पशन कम होना तो दूर की बात, पिछले 50 सालों में ट्रिपल हो चुका है। एंड गेस व्हाट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो गवर्नमेंट आपको हर एक सिगरेट के डब्बे के ऊपर और हर एक मूवी से पहले ये बताती है दैट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वही गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस चीज को इस तरीके से प्रमोट करती है कि किसी को मालूम ही नहीं है। लेकिन सवाल है क्यों, और अगर ऐसा है तो फिर आज तक इस चीज के बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज सिटीजंस, वो कौन से पावरफुल स्टडी मटेरियल्स है जो हमें गो थ्रू करने चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली नॉट बैनिंग टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको, हार्डली किसी को ये पता है दैट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको लीफ इन दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिगरेट सोल्जर्स को उनके राशन के साथ दी जाती थी एज अ सिंबल ऑफ हेल्थ एंड मैनहुड। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी था जब डॉक्टर्स ने लकी स्ट्राइक और कैमल, इन दोनों कंपनीज की सिगरेट्स ये कहकर प्रमोट करी दैट इट इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ। इंडिया एंड टोबैको, ये कहानी शुरू होती है 1605 में, जब इंडिया के अंदर पोर्चुगीज ने पहली बार टोबैको कल्टीवेशन की शुरुआत करी थी। आज भले इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि टोबैको से ये होता है, टोबैको से वो होता है, बट यू नो व्हाट, 1947 में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद अगर गवर्नमेंट ने किसी एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया था तो वह सबसे पहले थी टोबैको एग्रीकल्चर। आई नो अभी तक आप क्या सोच रहे हो कि ये क्या है, कोई इतना हिपोक्रेट, कोई इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी आखिर कैसे हो सकता है। एक तरफ गवर्नमेंट टोबैको को सपोर्ट भी करती है और एक तरफ आपको ये भी बोलती है दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये क्या सिस्टम है? वेल, इसको समझने के लिए आपका इन दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, हाउ इट इज मार्केटेड, एंड नंबर टू, व्हाट इज द हिडन पावर ऑफ टोबैको जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज मार्केटेड, अगर हम पुराने जमाने के टाइम पर जाए तो उस टाइम पर टोबैको को लाइफस्टाइल मार्केटिंग के थ्रू लोगों के सामने मार्केट किया जाता था। लाइफस्टाइल मार्केटिंग, विच इज बेसिकली प्रोडक्ट को एक सर्टेन लाइफस्टाइल के अंदर एम्बेड करके लोगों के सामने लेकर आना। जैसे कि यू कैन सी इन दिस इमेज, फेमस क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने एक बैट पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर विल्स का लोगो है। विल्स एक टोबैको ब्रांड है। नाउ ऑब्वियसली एक बैट का सिगरेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट यू नो व्हाट, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने यह बैट पकड़ा हुआ है और आप उसको टीवी पर खेलते हुए देख रहे हो, तो अब आपके दिमाग में विल्स का नाम और लोगो दोनों चीजें छप चुकी है। लाइक इफ यू सी, ये आज से एक साल पुराना विमल इलायची का एड है। अगर आप इस एड को ध्यान से देखोगे तो विमल इलायची का जो फुटेज है वो हार्डली 10 से 15 सेकंड के लिए आया है, बट यू नो व्हाट, इस एड के थ्रू आपको विमल इलायची नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बेच दिया गया है, एक वे ऑफ लिविंग बेच दिया गया है, और वो भी एक स्टोरी के फॉर्म में जिसके अंदर विमल को एम्बेड किया गया है। किसी को भी इलायची बेचने में इंटरेस्ट है ही नहीं। द हार्ट एंड सोल पर्पस ऑफ दिस एड वाज कि आपके दिमाग में विमल ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाना, और एक बार ये आप ब्रांड से इंट्रोड्यूस हो चुके हो तो उसके बाद विमल पान मसाले से आप कितने दिन तक अनजान रह लोगे। बट इंटरेस्टिंगली टोबैको ब्रांड्स, अगर आप स्पेसिफिकली सिगरेट ब्रांड्स की तरफ देखोगे तो वो लोग कहीं पर भी अपनी मार्केटिंग नहीं करते हैं क्योंकि अलाउड नहीं है, बट स्टिल दिन ब दिन सिगरेट की कंजम्पशन बढ़ती ही जा रही है, वो भी बिना किसी प्रमोशन के। कैसे? वेल, वन वर्ड, सोसाइटल मार्केटिंग। अगर आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको मेनली ये दो कैटेगरी के स्मोकर्स मिलेंगे। नंबर वन सोशल स्मोकर्स एंड नंबर टू हाइपर एक्टिव स्मोकर्स। सोशल स्मोकर्स मिलेनियल्स होते हैं, यानी कि लोग जो कि 18 टू 30 इयर्स ऑफ एज के बीच के ब्रैकेट के अंदर आते हैं। आप किसी भी 18 से 30 साल के स्मोकर के पास जाकर ये पूछना कि हाउ डिड ही स्टार्ट, इन 99% ऑफ द केसेस वो आपको एक ही चीज बोलेंगे, बिकॉज ऑफ आर फ्रेंड सर्कल। 18 टू 30 इस उम्र के बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अकेले स्मोक करते हो। रीजन, क्योंकि उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट ही करी थी अपने सोशल सर्कल की वजह से, किसी पार्टी में, किसी सोशल सर्कल में फ्रेंड्स के बीच बैठकर। अब फ्रेंड्स को इस चीज के बारे में पता कैसे चलता है? वेल, इट्स अ कलेक्टिव हाइप। ज्यादातर मूवीज के अंदर सिगरेट स्मोकिंग कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड और टैकी पर्सनालिटी होती है, जिस चीज को देखकर हमारा भी मन करता है कि हम भी इस पर्सनालिटी को इमिटेट करें। एंड द फर्स्ट थिंग विच वी लुक फॉरवर्ड टू इज सिगरेट। एंड इवेंचुअली ज्यादातर लोग कलेक्टिवली एक फ्रेंड्स के ग्रुप के बीच में कूल लगने के लिए स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो लोग इस चीज से नए हैं उन्हें किसी क्लब में या पब में बड़े बड़े सिगरेट के शेल्फ बैनर्स दिख जाते हैं
विच इज बेसिकली एडवर्टाइजिंग विदाउट एडवर्टाइजिंग। एंड इवेंचुअली यही सोशल स्मोकर्स अपनी 30s क्रॉस करते करते हाइपर एक्टिव स्मोकर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब तक सिगरेट उनका एक एडिक्शन बन चुका है। डोपामाइन द हैप्पी हार्मोन, ये वो चीज है जो हमसे हर वो चीज करवाती है जो कि शायद हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है, लेकिन अगर आपने अपने डोपामाइन को कंट्रोल कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज डी क्लटर योर माइंड। इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त किताब भी लिखी गई है, एंड यू नो वॉट, इस बुक की जो बुक समरी है वो आपको आसान हिंदी भाषा में कूको एफएम के ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, जिसको सुनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। और हाँ, आधी 50 कूपन कोड जिससे आपको अपने कूको एफएम के साल भर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिलेगा ना, वो सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड होता है। लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। टोबैको इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेल्थ। आयरॉनिकली हर एक टोबैको कंज्यूमर को ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से मालूम है, बट वॉट अबाउट द गवर्नमेंट? जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट एंटी स्मोकिंग कैंपेन चला रही है, अवेयरनेस कैंप चला रही है, वहीं पर गवर्नमेंट इज द वन जो बहुत ही स्मार्टली इस चीज को प्रमोट करती है। लेकिन क्यों? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये सब कुछ आखिर होता कैसे है? वेल, इसको समझने के लिए आपका इन तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, टोबैकोज रोल इन इकोनॉमी। सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, टोबैको इकोनॉमी के अंदर मेजरली दो रोल्स प्ले करता है। नंबर वन, टैक्स रेवेन्यू, एंड नंबर टू, हाउस होल्ड एडवांटेज। साल 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स के सेल से $3.4 billion का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है। अगर मेजरली सिगरेट्स की बात करें, तो सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस इन दो चीजों के बेसिस पर लगता है। नंबर वन, लेंथ ऑफ द सिगरेट, जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा टैक्स लगता है। एंड नंबर टू, फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड। जो नॉन फिल्टर्ड सिगरेट्स होती हैं, उनके ऊपर टैक्सेस ₹168 से लेकर ₹543 इस ब्रैकेट के बीच में रहते हैं पर 1000 स्टिक्स। और जो फिल्टर्ड सिगरेट्स होती हैं, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा होते हैं, विच रेंजेस बिटवीन ₹819 to ₹2163 पर 1000 स्टिक्स। सो बेसिकली ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट हर एक सिगरेट स्टिक के ऊपर ₹3.5 का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इस दुनिया के 10% स्मोकर्स इंडिया में रहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, देर हैज बीन नो कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस कि फिल्टर्ड सिगरेट्स अनफिल्टर्ड से कम हार्मफुल है। लाइट, लोटार, फिल्टर्ड, रोस्टेड, ये सब मार्केटिंग करने का तरीका है, बिकॉज इन रियलिटी इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। हमारी गवर्नमेंट सिगरेट और अल्कोहल की सेल्स के ऊपर टैक्स कमाती है, ये तो सबको मालूम है, इसमें क्या नया है? वेल, विद टोबैको चीजें काफी ज्यादा अलग है। इंडिया में टोबैको एक बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। टोबैको हार्वेस्टिंग से लेकर टोबैको प्रोक्योरिंग तक, इन चीजों से बहुत सारे लेबरर्स का घर चलता है। 98% बीडीज हैंडमेड होती है। एंड यू नो वॉट, टोबैको इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों में से 50% से ज्यादा वर्कफोर्स वुमेन है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बैनिंग टोबैको विल स्टील देयर लाइवलीहुड, जिस चीज का बहाना करके गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन नहीं लगाती। आई नो आप क्या सोच रहे हो, बहाना करके? वेल, वेट फॉर इट, आई विल एक्सप्लेन। लेकिन आई नो कि ये सब कुछ देखकर 80% से ज्यादा लोग यही बोल रहे होंगे कि टोबैको के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दो, कंजम्पशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। वेल, नॉट रियली। जो लेके आता है हमें सेकेंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं हो, तो ये रहा आपके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन। मान लो कि आज एक च्युइंगम का प्राइस ₹1 है, तो मैं दुकान जाकर 3 च्युइंगम खरीद के ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस ₹1 है। लेकिन अगर कल को उसी च्युइंगम का प्राइस बढ़ाकर ₹5 कर दी जाए, तो जहां पर मैं 3 च्युइंगम खरीदता था, अब मैं शायद सिर्फ एक ही च्युइंगम खरीदूंगा। तो ये जो मेरे बाइंग बिहेवियर के अंदर चेंज आया है, डिमांड के अंदर चेंज आया है, जो चीज़ मैं डिमांड कर रहा हूँ वो चेंज आया है प्राइस की वजह से। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हाउ योर डिमांड चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस, इसका मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये चीज टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर काम ही नहीं करती, एंड आई टेल यू व्हाई। नॉट बिकॉज दे आर एडिक्टिव, बट बिकॉज ऑफ दिस, जो सिगरेट्स हैं उनसे इंडिया का जो टोटल टोबैको कंजम्पशन है वो सिर्फ 14-15% निकलता है। जो बाकी बचा हुआ 85-86% है वो बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, इन सारे टोबैको प्रोडक्ट्स से आता है। आई विल ऑल्सो अटैच सम रिपोर्ट्स ताकि आप इस चीज को और ज्यादा थोरो तरीके से स्टडी कर पाओ। मूविंग फॉरवर्ड, रिपोर्ट्स में एक और बात सामने आई कि गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिगरेट के ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन स्टिल उससे कंजम्पशन के अंदर कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है कस्टमर प्रोफाइलिंग। अगर आप देखो तो जो बीड़ी, गुटखा, खैनी है, ये सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं, जो लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं, वो लोग पुअर और लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग सिगरेट के कंज्यूमर्स हैं, वो लोग वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जिस चीज़ के चलते जो सिगरेट की डिमांड है वो हमेशा इनइलास्टिक रहती है, यानी कि उसके प्राइस के अंदर चेंज लाने से उसकी डिमांड में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। अगर कोई बंदा जो कि ऑलरेडी 50,000 से 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा है,
मोस्ट लाइकली सिगरेट चाहे 15 रुपए की हो चाहे 18 रुपए की हो जाए, उसको इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कंजम्पशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। बट ऑन दी अदर हैंड, जो इंसान सिर्फ 10 से 20,000 रुपए महीना कमा रहा है या शायद उससे भी कम कमा रहा है, जो कि बीड़ी गुटखा ये सारी चीजें यूज करता है, उसके लिए अगर बीड़ी गुटखा का रेट बढ़ जाए तो उसकी कंजम्पशन के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन लोग तो डीट है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता यह है कि अगर इन चीजों का प्राइस बढ़ा भी दिया जाए तो जो बंदा बीड़ी गुटखा ये सारी चीजें कंज्यूम करता है ना, वो बंदा जो उसकी एसेंशियल कमोडिटीज है उसके ऊपर खर्चा कम कर देगा, लेकिन इन चीजों के ऊपर खर्चा बकायदा उतना ही रखेगा, जिसका फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि जो फैमिलीज है ना वो सफर करती हैं। ऑन दी अदर हैंड, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स ये शो करती है कि गवर्नमेंट सिगरेट के ऊपर तब तक टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकती है जब तक उनका जो टोटल टैक्स कलेक्टेड है वो सिगरेट की रिटेल प्राइस का 78% ना पहुंच जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स में ये देखा गया कि अगर बीड़ी गुटखा ये जो प्रोडक्ट्स है टोबैको के, इनके ऊपर जो टैक्सेस है उनको सिर्फ 10% से बढ़ा दिया जाए ना, तो कंजम्पशन बहुत हद तक नीचे आ जाएगी। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो फिर हमारी गवर्नमेंट ये चीज करती क्यों नहीं है। वेल, ये वो जगह है जहां से तीसरा और सबसे ज्यादा डार्क पॉइंट शुरू होता है, एंड दैट इज पॉलिटिक्स। बीड़ी गुटखा खैनी, ये सारे के सारे टोबैको प्रोडक्ट्स अंडर टैक्स्ड है, नॉट बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट को इस बात की चिंता है कि अगर इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देंगे तो जो लोग हैं वो अपने एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर खर्चा कम करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। नो, द हार्श रियलिटी इज कि 1947 इंडिपेंडेंस के बाद से ही गवर्नमेंट को टोबैको इंडस्ट्री की पावर समझ में आ चुकी थी, और तब से ही दे डिड एवरीथिंग टू प्रमोट इट, और ये चीज इतने सालों से चलती आ रही है कि अब तक ज्यादातर लोग इस चीज के ऑलरेडी एडिक्ट बन चुके हैं, और अब ये चीज बहुत आसानी से गवर्नमेंट कर लेती है ये बताकर कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बिकॉज दे नो कि लोग नहीं रुकेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर एक रूलिंग गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से मालूम होती है कि बीड़ी, खैनी, गुटखा, ये सारे जो च्यूइंग टोबैको प्रोडक्ट्स है, इनके ऊपर अगर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए ना, तो इंडिया का लोअर इनकम सेगमेंट, जहां पर इस वक्त इंडिया की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसका वोट बैंक रातों रात हिल जाएगा। सो वेरी स्मार्टली आप सबको ये दिखाने के लिए दैट गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट टोबैको कंट्रोल, हर साल गवर्नमेंट सिगरेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ाती जाती है, विच इज अ कंप्लीट विन फॉर देम, क्योंकि ऐसा करने से एक तो गवर्नमेंट और ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, बिकॉज दे नो कि सिगरेट की जो डिमांड है वो ऑलरेडी इनएलास्टिक है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टैक्स बढ़ा दो तो, लोग तो पियेंगे। एंड सेकेंडली गुड रेपुटेशन, लोगों के दिमाग में ये जाता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली में सिगरेट कंट्रोल को, टोबैको कंट्रोल को कुछ करने के लिए कर रही है कुछ। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ओवर शेडोइंग दिस थिंग कि जो टोबैको का एक्चुअल कंजम्पशन है ना वो सिगरेट से आता ही नहीं है, वो बीड़ी, खैनी, गुटखा इन चीज़ों से आता है, इस पूरी चीज़ को ओवर शेडो करके छुपा दिया जाता है सिगरेट के ऊपर टैक्सेस को बढ़ाकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो लेके आता है हमें उन स्टडी मटेरियल्स की तरफ जिनको आप गो थ्रू करके इस मैटर को और ज़्यादा डीपली समझ सकते हो। नंबर वन, देयर इज अ वेरी पावरफुल रिसर्च पेपर जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ टोबैको एंड टोबैको टैक्सेशन इन इंडिया। नंबर टू, एक आर्टिकल है जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करी गई है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है टोबैको इंडस्ट्री मैनिपुलेशन इन रिसर्च, जिसके अंदर यह बताया गया है कि कैसे टोबैको के ऊपर करी गई रिसर्चेस के अंदर भी बहुत सारी मैनिपुलेशंस करी गई थी। आई एम श्योर कि ये सारा स्टडी मटेरियल गो थ्रू करने के बाद आपको इस मैटर को और ज्यादा डेप्थ में समझने में आसानी होगी। इन सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है ना जिनकी जो डार्क साइड है वो इतनी ज्यादा भयानक होती है कि कोई उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसी ही एक और इंडस्ट्री है जिसका शिकार अगर आप हो गए ना तो वहां से निकल पाना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सवाल ये है कि आखिर कौन सी है वो इंडस्ट्री जो कि एक झटके में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। अगर आपको इस इंडस्ट्री के राज जानने हैं ना तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।